आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन ग्रेवी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बनके तैयार होने वाली रेसिपी है। बहुत ही जूसी सा इसका चिकन और बहुत ही स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनके तैयार होती है। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। हमारा बोनलेस चिकन है, 400 ग्राम के आसपास है। इसको डाल के हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पे हमें इसको फ्राई कर लेना है। हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। हमें चिकन को उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना। जब तक इस तरह से इसमें गोल्डन मार्क ना आ जाए तब तक हमें अपने चिकन को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। मेरा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। सभी चिकन को हमने निकाल लिया है। अब हमें इसमें 1/2 टीस्पून शाही जीरा, 2 दालचीनी, 2 लौंग और 1 छोटी इलायची डालनी है। डाल देंगे, हमारा मसाला अच्छे से तेल में तला जाएगा। तो उसमें हम 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कट करके डाल देंगे। डाल के हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हाई रखिए, हाई फ्लेम पे हमें इसको फ्राई कर लेना है। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। जिसमें हमने 1 टमाटर मीडियम साइज़ का लिया है, 8 से 10 काजू लिए हैं, 3 से 4 बादाम। बादाम को हमने काजू और बादाम दोनों को भिगा दिया था 10 मिनट के लिए और इस तरह से हमने बादाम को सभी बादामों को छील लिया है। छील के हमें इसका फाइन पेस्ट बना लेना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना। इसी तरह से इसका पेस्ट हमारी प्याज जो है हल्की फ्राई हो गई है, हमें इसको थोड़ा और फ्राई करना है। तब इसमें हम 2 हरी मिर्ची इस तरह से बारीक कट के भी डाल देंगे। डाल के हमें भी इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। प्याज के साथ हमारी हरी मिर्चें भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। कच्चापन खत्म होने तक के हमें इसको फ्राई कर लेना है। हमारा अदरक लहसुन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले डाल देंगे। यहाँ हमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देना है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल दें। डाल के हमें सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को लो कर दें, लो फ्लेम पे अच्छे से मसालों को भून लें। हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम जो हमने टमाटर, काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। डाल के हमें मसालों को फिर से भून लेना है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही हमें मसालों को भून लेना है। हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन गया है, हमारे मसालों ने एकदम तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे। दही को हमने हाथों से अच्छे से बीट कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। इसको डाल देंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे हमें इसे भी अच्छे से भून लेना है। हमारा दही भी मसालों में बहुत अच्छे से भुन गया है, हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे। डाल के इसको भी हम मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे 1 से 2 मिनट। बहुत मज़े का हमारा चिकन बनके तैयार होता है।
बहुत जूसी सा हमारा चिकन और स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनके तैयार होती है। एक से दो मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए, हमारा चिकन भी मसालों में बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हम इतना ही, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल है इसलिए हमें इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है। हमें इतना ही डालना है ताकि हमारा चिकन भी पक जाए और मेरी ग्रेवी भी गाढ़ी ही रहे। हम इसको ढक देंगे और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। हमारी ग्रेवी में एक बॉयल आ गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा चिकन देख के लग रहा है, बहुत ही इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून दूध में की मलाई डाल सकते हैं, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून डाल दीजिए, डाल के इसको अच्छे से मिला दीजिए। मलाई को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को हमने अच्छे हल्के से रोस्ट कर लिया था और हाथों से क्रश करते हुए इसको हमने डाल दिया है। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, डाल के हम इसको अच्छे से मिला देंगे। पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से पका देंगे। हमारे चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से हमारा चिकन पक गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारा चिकन सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें। रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी बोनलेस चिकन ग्रेवी एकदम तैयार है।